तो बड़ी मुश्किल से बच्चों से बचकर हम सब लोग एक कमरे में बैठे हैं, अंदर कड़ी लगा दी है लेकिन बाहर से धक्के मार रहे हैं बच्चे। ये सारे खड़े हुए हैं देखो, बच्चे घुस गए। अरे बाहर करो बच्चों, अरे ये बच्चे छुप रहे हैं यहाँ पे आगे, बच्चे छुप रहे ताकि इसको निकाल लेना। अरे कैसे करेंगे फोटो? वो नहीं मारेगी, छोटे बच्चे के पास चले जाएंगे। बछड़ा अंदर है, छोटा बच्चा यहाँ पे मिला मुझे, जी छोटा छोटा बच्चा। हाँ तो बाबा, ओए बाबा, आंटी आंटी प्यार करती है, आंटी प्यार से लाएगी। ओए पगलू छोटू छा, पगलू पगलू क्यों डर रहा है? अच्छा 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 अच्छा, वो डर रहा है क्या? हाँ, खाता नहीं अभी, जो चार दिन का है अभी। अच्छा अभी छोटा है। हाँ, वो खा ही नहीं पाएगा, दांत ही नहीं है उसका। दांत नहीं है, दांत ऐसे तू आंटी बाबा। चलो उनको दे देती हूँ। अरे अभी तो पूरा गांव को पता ही नहीं चला, अगर कुछ जानता ही नहीं, ये चुपके से आ गए। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं पूरे गांव में घूमना चाह रही हूँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल है गांव में घूमेंगे, सबसे मिलेंगे। ये हमारे दादाजी हैं। तो मैं तो सबसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तुम भी पहली बार मिल रहे हो? नहीं नहीं, मैं मिला हूँ, सबसे मुझे याद नहीं है। कोई नहीं है, सब बच्चे ही है। के खींचा था फोटो, के खींचा था फोटो, कौन खींच रहा है फोटो, के खींचा था ये नहीं बुझा था बीच में। बच्चों ने मेरे साथ में फूल फेंके, हम उन्हीं से मैं फूल निकलवा रही हूँ। निकालो सारे बच्चे, मुंह पे डाला है, मुंह पे फेंके फूल, सर के अंदर वो है पूरा, फूल ही फूल है। हम कहीं छोटे भाई के यहाँ पे आए हैं, पता नहीं चाचा जी के छोटे भाई, पापा के चाचा जी, पापा के चाचा जी के छोटे भाई। बच्चों का कुछ नहीं कर सकते बच्चे, हमसे पहले चले आते हैं, चले चले अंदर। अभी मिले ना, हम तो मिले थे। जो प्यार यहाँ पे है ना गांव में, वो तो शहर में नहीं मिल सकता। जेन्युइन प्यार है, मतलब सभी लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ, जितने भी लोग हमें मिले हैं इतना प्यार से मिले हैं, इतना प्यार से। हाँ भाई, घर की बहुओं से भी मिल लो। हाँ पहली बार आई हूँ आज, अभी तो हमारा जाना वापस जाना होगा गोरखपुर, लेकिन हम लोग आएंगे जल्दी, जल्दी आएंगे। ये सारे ना ये चाची करेंगे तुम। हाँ अच्छा, हाँ चाची मेरे भाइयों की बहू है। अरे हमें 50 रुपये ढीले वड़ा निकाल के लिए देखते हो, केकर बटे 50 रुपये, केकर हुए 50, अम्मा का हुए अब निकाल ली तो पिछवा से नहीं निकल पाई। छोड़ने वाले नहीं, दुल्हन जब उतरती है ना, तो मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसे अंदर से भीड़ में घुस के दुल्हन देखती थी, वही बच्चे का हाल है। सारा परिवार, जितना भी हमारा परिवार है, सारे इधर इकट्ठे आंगन में इकट्ठे होके हमारा फैमिली फोटोग्राफ खींचेंगे, और उसी का वेट हो रहा है। लोग से रिक्वेस्ट बा कि थोड़ा अंदर चली जाए, ताकि जितना भी रहुआ लोग हैं औरत पानी यहाँ पर, वो अपन पल्लू हटा के फोटो खींची। तो सुनो ना, पहले जेंट्स की फोटो हो जाने तो फिर चले जाएंगे। जेंट्स निकल जाओ ना तुम, हो गया ना। इनसे पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है, इनसे क्या, इनसे पर्दा नहीं है ना। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, हां सब, अब आप हटा दो, अब फोटो लेंगे, जेंट्स जा चुके हैं। चलो आओ, फोटो ले लो। अरे कितने शर्मा रही हैं, देखो आ जाओ आ जाओ। अरे तो इधर तो देखो, जब देखोगे नहीं तो फोटो कैसे आएगा। इधर आप इधर आओ, आप मेरे पास आओ, उस बगल में ले लेना। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों से बचकर हम सब लोग एक कमरे में बैठे हैं, अंदर कड़ी लगा दिए लेकिन बाहर से धक्के मार रहे हैं बच्चे। खोलो खिड़की भी हटाओगे ना, तो खिड़की के यहाँ भी ये सारे खड़े हुए हैं देखो, खिड़की से भी नोचिया रहे हैं हमें, और यहाँ से भी देखो। अभी किसी को भी हमने बुलाना है ना अंदर, तो हम चुपके से बुला रहे हैं। मर गया आंधी, बच्चे आंधी ही है मम्मी, आंधी तूफान यही तो है। गांव के बच्चे आया है, गांव के बच्चे तो चुप छुपा के बैठे थे, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो पीछे। बच्चे घुस गए। अरे बाहर करो बच्चों, अरे ये बच्चे छुप रहे हैं यहाँ पे आगे,
छुपने ताकि इसको निकाले ना। अरे कैसे करेंगे फोटो? चाची बैठी है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया हमें, क्या आज का खाना खाते बहुत अच्छा लगा। और ये भी चाची है, चाची पूरा दिन से यहीं पे इन्हीं के घर पे है। हम हमने बहुत सेवा करी हमारी, बहुत बहुत किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलके वीडियो कॉल पे हमारी एक बार बात हुई हुई है, एक बार मेरी शादी में भी, शादी में आए थे तो मेरे को पता नहीं, मैं याद नहीं, घूंघट घूंघट की वजह से नहीं पता, तो यही है सजाए जाए घर है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सबको, चलो अब चलने का भी टाइम हो गया। चलो खोइचा भरना है, क्या क्या भरना है? खोइचा खोइचा खोइचा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, गाने से पहले की रस्म होती है खोइचा भराना, वो है। फिर से पांच पांच दादी का लक्ष्मी है घर की, दिखा दो पापड़, दिखा दो भाई, बहुत गला मिला था। चाचा प्रणाम, क्या हो रहा है? हम यहाँ पे सबके साथ है। कहाँ हलवा चाचा? चलो अब तो निकले का टाइम हो गई। गोरखपुर के रास्ते में हम लोग बीच में रुक गए, एक चाय की दुकान दिख गई है, वहाँ पे चाय पी रहे हैं। संभावना अपनी चाय शायद खुद बनाएगी हमेशा की तरह। ब्रेड पकौड़ा है, गरम गरम समोसा है, एक दो तीन चाय। तो रास्ते में आए थे, अविनाश आपको बताई थी, हम लोग चाय के लिए रुक गए हैं, अब सबको चाय चाहिए। चाय मैंने वैसे मेरी रिक्वेस्ट कर दी है कि मुझे कैसी चाय चाहिए, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल बन रही है। इसके बाद मेरी चाय बनेगी बिल्कुल जैसी मैं चाहती हूँ। ये वीडियो बन रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आता है। क्या नाम है तुम्हारी दुकान का? दुलारे मद्देसिया। दुलारे मद्देसिया दुकान पे हम, आप यहाँ से कभी भी गुजरे हैं तो इनके हाथ की यहाँ पे चाय भी है, मैंने देखा है, समोसा भी गरम गरम था, यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा गरम गरम है, देखेंगे कुछ खा के देखेंगे हम। धन्यवाद भाई साहब, इन्होंने बोला है आपके जैसी चाय हम बना के देंगे आपको। इससे बड़ा गिलास भी है क्या भैया? नहीं है तो मेरी जो बनाओगे ना, दो बना देना। हाँ बस अदरक डाल दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए मना करने के बाद भी काम कर रहा है, खड़े होने पर गर्दन में दर्द हो रही है इसको, पता नहीं। लेकिन लेटने से भी तो होगा ना, वो जन जन यहाँ पे लगेगा। नहीं नहीं इसमें कर लो इसे। लेकिन पापा आपने बोल बोल के उनको जिद्दी बोल बोल के, और आपने जिद करी, गोरखपुर आ गए, सीधा 8 किलोमीटर रह गया है, 15-1 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन अपनी बात से देखो कैसे वो हो गए, जिद्दी कौन है यहाँ पे? ऐसे करते हैं बेटा, देखो जो चीज मना करूंगी उसी काम को करते हैं, आज जिद्दी मुझे बता देते हैं। अब मना कर रही हूँ तो मान जाना चाहिए ना। हाँ तो फिर कर दिए, और कह रहे हैं बड़ी जिद्दी औरत है मेरे। ये तकलीफ होगा ना फिर भी मान। अच्छा जब बीपी बढ़ जाता है ना मेरा, हाँ। मैं जब 10 बार चिल्ला लेती हूँ तब अपने आप शांत हो जाते हैं मेरा बढ़ा। मैं एक चीज रियल बताऊँ, आधा इनका बीपी जो है ना, इनके खान पान और रहन सहन कपड़ा उपड़ा पहनने से, जो ये खाते हैं वही मैं खाती हूँ। ये कपड़े खरीदे हुए हैं, ये उनको कंफर्टेबल नहीं लगते ना, फिर भी ये पहन के रखेंगे। क्यों? मेरे को सूट कंफर्टेबल है, मैं हरदम सूट इधर खुजली नाइटी पहनती हूँ रात को, क्यों नहीं कंफर्टेबल? साड़ी तो मैं सालों में छूती हूँ, एक बार कभी कोई पूजा पाठ पड़ गया तो। हाँ साड़ी कहाँ पहनती है? अभी आज पहनी, कल देख लेना सूट में आ जाऊंगा। कंफर्टेबल रहती है आज तो, लेकिन बहुत भारी है ये, बहुत हल्की है फिर भी, लेकिन थोड़ा वो तो हुआ होगा ना। ठीक सब फिर भी संभाल लिया, अच्छा लगा पहन के।
लेकिन जिद्दी तो पापा हैं। पापा मेरे को चिलवा लेते हैं। मुझे तो एक आप पे ही भरोसा था। सही किया बेटा, सच बोलना। हाँ, सच बोलना सही है। पापा लेकिन है। लेकिन पापा आप वो कहती है पापा को मेरे पे भरोसा। आप बताओ, आपने उनको बोला कितनी जिद्दी औरत है, ये पीछे नहीं कर रही है, पीछे नहीं कर रही है, पीछे नहीं कर रही है, और आप कितना पीछे करते गए चेयर तो करने नहीं दे रहे। अच्छा देखो, जानबूझ के अड़ी हुई। अगर इतना सब्जी है तो मैं बोलूँ तुम खा लो, जैसे मान लो दिन की बच गई, रात को खाना खाने बोलूंगी तुम खा लो, नहीं तुम भी लो, तो मैं बोलूंगी मुझे ही दे दो फिर सारा, तुम मत, तुम खाओ ही मत। हाँ। उसमें क्या इतना इतना लेना है, एक दिन। हाँ। खा लो, खत्म करो वो वाला। हाँ। तो जिद करके वो आधा आधा करेंगे। वो इसको जिद मानोगी या प्यार मानोगी? नहीं, उसको तो प्यार, वो जो तो है प्यार मिल बांट के खा ले तो ज्यादा अच्छा। अरे मिल बांट के मलाई, चार छह रोटी बनाएंगी तो कहेंगी ये नीचे वाली रोटी मुझे दे दो। क्यों भाई, पहली रोटी हमारे बोलते हैं आदमी को नहीं देते हैं, पहली लाठी आदमी को लगती है। कहाँ है आजकल क्या मम्मी, ये क्या बोल रही है? पहली रोटी जो उतारते हैं ना गांव में आदमी को, तो मैंने देखा है, तो मैं सोचती मैं खा लूं लाठी मुझे ही पड़े, आदमी को न पड़े। उसके खुद ही लाठी मार दे रही ना आदमी को, उसका क्या? उसका लॉजिक क्या है ना कि आज गाय को दे दो, गाय मारपीट लोग करते थे उसमें लट चलते थे। घर की औरतों का ये मान्यता था कि अपने हस्बैंड को पहली रोटी नहीं दे, पहली रोटी देंगे तीन उसको पहले लट लग जाएगा। तीन रोटी नहीं देते एक साथ, दो दे दो। मैं तो तीन दे देती हूँ। नहीं बेटा नहीं देती, थोड़ा देना उसमें से थोड़ा सा, या तो दो एक बार, एक दो कैंडी का दे दोगे? नहीं, या तो दो एक बार और एक एक बार, ऐसे वजह से। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं गोरखपुर, और होटल पहुंचने से पहले सोच रहे हैं कहीं खाना खा लें। हम लोग पहुंच गए हैं, एक जगह है रंगरेजा, रंगरेजा अभी खाते हैं। हालांकि हमें बहुत लंबी चौड़ी क्लासी जगह पे नहीं जाना था, लेकिन अब क्या करें, हमारा दिल था ढाबे पे खाने का रोड साइड, लेकिन कोई अच्छा मिला नहीं। चलिए साड़ी पकड़ लीजिए, खुल ना जाए अच्छे से। आज पूरा दिन मेरी मम्मी ने साड़ी में निकाल दिया, चैलेंज है। मलाई कोफ्ता बहुत बढ़िया, दोनों सब्जी अच्छी, पनीर से ज्यादा अच्छा मुझे कोफ्ता लगा। फाइनली जी घर पे कह रही हूँ, होटल में पहुँच गए। मम्मी पापा का रूम दोबारा से चेक इन कराया गया है, क्योंकि चेकआउट हो गया था उनका। अभी अगल बगल की जगह आमने सामने आ गए हम। ये रहा आपका रूम। अरे इसमें भी आप लोगों को अलग अलग बेड दिया है। पता है क्या नहीं, हमारा बनता नहीं आपस में। कह रहे उसको पता है क्या हमारी बनती नहीं है आपस में। अरे एसी पहले बंद करना सिखा दो, टेम्परेचर उधर से कंट्रोल होगा। पापा करना जरा, ये तो आप बड़ा दे रहे हो। 25 है ना ये? हाँ। नहीं नहीं पता चल गया कल। तो मम्मी पापा गए अपने रूम में सोने, हम आ गए अपने रूम में सोने। हालांकि सब सो जाएंगे, मैं अभी करूंगा एडिटिंग, और आप लोगों को कल मिलते हैं, क्योंकि कल हम जा रहे हैं मेरी नानी के यहाँ। हालांकि नानी तो अब नहीं है, लेकिन नाना जी हैं। नाना जी 100 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं। सबसे बेस्ट मेरे लिए, मैं इसी मोमेंट के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरे मामा मामी मामा के बच्चे और भी बहुत कुछ। और एक बचपन की मुझे याद आ गई कि बचपन में जो एक्साइटमेंट होती थी ना गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाएंगे, एकदम से वो दिन मुझे याद आ गया कि कल सच में नानी के घर जाएंगे। पिछले 6 साल से मेरा ये बस एक सपना था जो कल पूरा होगा। कल मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों, तब तक मिलेंगे।